जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं क्रेयोलन की टीवी पेंट स्टिक के बारे में है। ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि मैं जितने भी आपके साथ फाउंडेशन के रिव्यूज़ शेयर कर चुकी हूँ, तकरीबन सब पे ही मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप ड्राई स्किन के लिए तो शेयर करती हैं, बताती हैं कि कौन सा फाउंडेशन अच्छा है, लेकिन आप प्लीज़ ऑयली स्किन के लिए भी बताएं। तो आज ये जो फाउंडेशन का मैं रिव्यू करने वाली हूँ, ये ऑयली स्किन के लिए फाउंडेशन बहुत ही अच्छी है, बल्कि कह लें कि बेस्ट है, और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, लेकिन ड्राई स्किन के लिए बिल्कुल भी ये सूट नहीं करती, अच्छी नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं इसकी पैकिंग की। ग्रे कलर की ये इस तरह से इसकी पैकिंग है, लेकिन जो ऊपर राइटिंग हुई हुई है वो बहुत ही कच्ची है। मैं काफ़ी अरसे से इसको यूज़ कर रही हूँ, इसलिए ये काफ़ी उतर चुकी है। यहाँ पर लिखा हुआ था टीवी पेंट स्टिक, और ये है क्रेयोलन की। इसका बॉक्स भी था जो कि मुझे अब नहीं मिल रहा क्योंकि मैं इसको काफ़ी अरसे से यूज़ कर रही हूँ। बैक साइड पे फिर इसका लिखा हुआ है कि ये किस नंबर की है। देन ओपन होती है ये, इस तरह चूड़ी लगी हुई है इसके साथ, ऐसे ही ओपन होती है। तो ये इसका कलर है, बहुत ही ये लाइट शेड है, ये असल में मेरी स्किन के साथ मैचिंग नहीं है। तो आप, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी है डिफरेंट कलर्स की, तो आप प्लीज़ देख के लीजिएगा, जो आपकी स्किन के साथ मैच करे वही लीजिएगा। और एक बात फिर मैं यही बताती चलूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि मैं फाउंडेशन लगाती हूँ तो जो स्किन है वो पहले से भी ज़्यादा ब्लैक या ग्रे लगने लगती है। उसकी रीज़न यही होती है कि आपके जो कलर फाउंडेशन का है वो आपकी स्किन के साथ मैच नहीं करता। फाउंडेशन कलर बहुत ज़्यादा लाइट होता है, जिसकी वजह से ग्रे अपीयरेंस आ जाता है। तो आप परफेक्टली मैच करके लिया करें अपनी स्किन के साथ। ये स्टिक फाउंडेशन है और इसकी अच्छी खासी क्वांटिटी है इस प्रोडक्ट, इसके अंदर यानी कि अच्छा खासा मौजूद है। तो फिर बात कर लेते हैं इसकी प्राइस की। ये आपको बाज़ार से करीब 1450 से लेकर 1500 तक, यानी कि 1400, 1450, 1500 तक की ये आपको इजीली मिल जाएगी। हर जगह अवेलेबल होती है और इसके शेड्स भी हर जगह अवेलेबल होते हैं। इसके जो ऊपर से लिखा हुआ है, जो राइटिंग है, वो उतर उतर के मेरे हाथों के साथ लग रही है। तो एनीवेज स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको अपनी फिंगर के साथ ही लगा कर बताऊँगी, ऐसे आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। अब क्योंकि ये मेरी स्किन टोन के साथ मैच नहीं करता, तो इसलिए आपको ये ज़्यादा समझ नहीं आएगी इसकी, लेकिन ये अप्लाई करने में बहुत ही मैट अपीयरेंस देता है। अब आप सोच रहे होंगे ये मेरे हाथ को क्या हुआ है, असल में मुझे थोड़ी सी एलर्जी हो गई है, पता नहीं कुछ शायद ऐसा खाया है या क्या वजह, मेरे हाथों पे थोड़ी एलर्जी हो रही है। बट स्टिल आई एम गोइंग टू शो यू। ये देखें, आप इसको लगा लेने से बिल्कुल मैट अपीयरेंस आ रहा है, बिल्कुल शाइनी अपीयरेंस नहीं है, मैट अपीयरेंस है। तो जो ड्राई स्किन वाले हैं, मैं तो जब ये लगाती हूँ, मेरी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है, जब मैं इसको यूज़ करती हूँ तो बहुत ही पैची केकी किस्म की अपीयरेंस आती है, ड्राई स्पॉट्स और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं और बिल्कुल ये अच्छी नहीं लगती। यानी कि बिल्कुल एक, मैं आपको टोटली मना करूँगी कि ये अगर आपकी ड्राई स्किन है तो बिल्कुल इसको मत खरीदिए, आपका पैसा ज़ाया जाएगा। ये ऑयली स्किन वालों के लिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए ये बेस्ट है। आपका जो ऑयल है वो एक किस्म का ख़त्म हो जाएगा और मैट इस तरह की अपीयरेंस आ जाएगी आपकी स्किन पे, और आपकी स्किन पे ये केकी नहीं लगेगा। ड्राई स्किन पे बहुत ही केकी और फ्लेकी लगेगा, जैसे ऊपर बहुत ही ज़्यादा कुछ तय एक किस्म की लगाई हुई है, लेकिन बहुत ही नेचुरल लगेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऑयली स्किन के लिए ये बेस्ट है, बहुत ही नेचुरल अपीयरेंस आएगी, चाहे आप इसको फिंगर के साथ लगाएं, चाहे ब्यूटी ब्लेंडर के साथ या फिर ब्रश के साथ, बहुत ही इसकी अपीयरेंस नेचुरल लगेगी। और ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो बात यह है कि आप अपनी स्किन टोन के साथ इसको मैच करें। देखिए, ये मेरी स्किन टोन के साथ मैच नहीं कर रहा, जिसकी वजह से ब्लैकिश अपीयरेंस आ गई है। तो ऐसे ही होता है जब डार्क कॉम्प्लेक्शन के लोग जो हैं वो ज़्यादा वाइटिश किस्म की फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हैं। अब बात करें अगर प्राइस की, तो बहुत ज़्यादा प्राइसी है ये। बात करें क्वालिटी की, तो ठीक है, ऑयली स्किन के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये बहुत ही हार्ड है, मतलब अप्लाई करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत क्रीमी कंसिस्टेंसी इसकी नहीं है। ख़ास तौर पे अभी सर्दियों का सीज़न है, तो सर्दियों में तो ये अभी अप्लाई करने में मज़ीद डिफ़िकल्ट है, अच्छे से यूँ क्रीमी सी ब्लेंड नहीं हो जाती, बल्कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको स्प्रेड करना। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो प्लीज़ इसको अवॉइड करें। तो इस लिहाज से मैं इसको नेगेटिव पॉइंट्स दूंगी कि ये अप्लाई करना बहुत डिफ़िकल्ट है और सर्दियों में तो ये बहुत ही सख्त हो जाती है। प्राइस भी इसकी अच्छी खासी ज़्यादा है, अप्लाई करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर वही बात कि ये ऑयली स्किन पे अप्लाई की हो तो बहुत ही अच्छी लगती है।
तो एट द एंड मेरा तो वर्डिक्ट यही है कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो स्टे अवे फ्रॉम दिस, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है. डू ट्राई इट वंस, ऑल्दो इट इज़ अ लिटिल एक्सपेंसिव, बट डू गिव इट अ ट्राई. ऑयली स्किन के लिए ये बहुत ही अच्छी फाउंडेशन है और इसके अंदर कलर्स की भी बहुत सारी वैरायटी मौजूद है. तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने ऑयली स्किन वाली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़. बाय बाय.